हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो है डीटीएच है, जो कि डीटीएच का जो है ये पूरा सेट है। जो कि इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये दोस्तों इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है, इसमें लाइट नहीं जलती है। और दोस्तों, आज मैं इसको रिपेयरिंग करके आप लोग को दिखाऊँगा आप लोग इसको आसानी से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बहुत स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊँगा। और दोस्तों, जो है तीन स्टेप में आप लोग को इसको क्लियर कर दूंगा, तीन स्टेप में आप लोग इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहले चलते हैं, इसको खोलेंगे। और दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। दोस्तों, पहले इसको हम आसानी से खोल देंगे इस तरीके से, और इस तरफ से भी हमने इसको सील हटा के इसको भी खोल देंगे। देखिए दोस्तों, अभी इसको हम खोल देते हैं इस तरीके से। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप लोग कभी भी आपके पास अगर डीटीएच होगा तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको खोल दिया और अभी आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें पहले जो है 220 वोल्ट दूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने करंट दे दिया और दोस्तों इसमें किट किट की आवाज़ आ रही है, आप लोग शायद सुन रहे होंगे। और मैं इसको एक बार हम वोल्टेज को देखते हैं पहले कि हमारा जो है वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि किट की आवाज़ आ रही तो 220 वोल्ट तो आएगा दोस्तों। फिर भी मैं आप लोग को दिखाने के लिए चेक करा देता हूं इसमें। देखिए दोस्तों, 242 वोल्ट इसमें आ रहा है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे एसी की तरफ वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, अब हमको देखना है डीसी की तरफ हमारे पास वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अब हम इसको मल्टीमीटर को जो है 200 वोल्ट पे सेट करेंगे और अब हम इसको एक प्रोब ग्राउंड पे लगाएंगे। दोस्तों, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड है, जो 12 वोल्ट का जो जहां वायर लगा है। पहले हम इसको 3 वोल्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे अभी कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, वोल्ट नहीं है। और यहाँ पर भी देखते हैं, 1 वोल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पर भी देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको वायर हम निकाल देंगे, जो 220 वोल्ट का तार लगा रखे हैं इसको हम निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टिंग देखेंगे कि दोस्तों कोई डायोड वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। जैसे पहले मैं ये डायोड चेक करूंगा और इस तरीके से चेक करूंगा। देखिए दोस्तों, ये डायोड सही है। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, क्योंकि डायोड कभी भी एक तरफ का बताता है, दूसरे तरफ का नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों, नहीं बता रहा है। अब दोस्तों, हम इसको चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरफ बता रहा है, और फिर से हम इसको प्रोब बदलेंगे तो दोस्तों ये इस तरीके से बता रहा है। बट दोस्तों, ये इसको हमें निकाल कर मुझे लग रहा है चेक करना पड़ेगा। और एक तो ये दोस्तों डायोड बता रहा है, अब दूसरा डायोड और देखेंगे, एक ये डायोड देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये भी दोनों तरफ बता रहा है। तो दोस्तों, जो डायोड हमारा शॉर्ट होगा वो हमें पता चल जाएगा, दोनों तरफ उसको नहीं बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ नहीं बता रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा मीटर में। देखिए दोस्तों, ये इस तरफ जो है इस तरफ नहीं बता रहा है और इस तरफ बता रहा है, तो मतलब हमारा ये डायोड सही है, ये डायोड हमारा सही है, इस तरफ नहीं बता रहा। देखिए, अभी ये नहीं बताएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम इसको वायर इसको निकालते हैं, इसको एक बार इसको हम आसानी से इस जो इस एमपीएस को, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसमें क्या चीज़ ख़राब है। दोस्तों, एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मैंने एक स्टेप बता दिया कि आप लोग कैसे चेक करेंगे। इसको आसानी से इस तरीके से निकाल देना है इसको, क्योंकि दोस्तों इस जगह पे कई लोग पीछे भी लगाए रहते हैं, और कई लोग इसको जो है इसको इस तरीके से आपको निकाल देना है इस तरीके से। और अभी दोस्तों, ये ओके हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने निकाल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हमारा जो मेन डायोड है, हमको जो है ये डायोड जो आप लोग देख सकते हैं, ये वाला डायोड, पहले हम इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे बकायदा। क्योंकि यहाँ से दोस्तों हमारा, क्योंकि जो डायोड होता है, कभी दोस्तों अगर एक डायोड शॉर्ट होगा तो सारी वोल्टेज को वो ड्रॉप करने लगता है, कम कर देगा। तो दोस्तों देखिए, पहले मैंने इस डायोड को निकाल दिया, अब इसको हम चेक करेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, देखिए इस पॉइंट ये बता रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ से बता रहा है। तो
तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये डायोड हमारा ख़राब है। देखिए इस तरफ भी बता रहा है, इस तरफ भी बता रहा है। तो दोस्तों डायोड कभी भी दोनों तरफ से नहीं बताता है। दोस्तों ये डायोड ख़राब है जो कि दोस्तों 5399 लगा हुआ है। अब मैं इसकी जगह हम दूसरा डायोड लगाएंगे। देखिए दोस्तों जो डायोड मैं लगाऊंगा उसको हम चेक करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम लगाएंगे, इसको हम चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों इस तरफ बता रहा है और इस तरफ दोस्तों नहीं बताएगा। देखिए ये नहीं बता रहा आपके, आप लोगों के सामने मीटर, और दोस्तों ये नहीं बता रहा। तो दोस्तों क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये ख़राब नहीं है, ये सही है। जो ख़राब होगा दोस्तों वो बताएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था जो कि आप लोग को बताने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों वीडियो पूरा देखना, आप लोग को प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने इस जो है इसको सुराख को साफ कर दिए, अब इसको हम लगाएंगे इसकी जगह पे डायोड को। दोस्तों मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊँ। और दोस्तों अगर आप लोग आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अभी भी इसमें दोस्तों आपको पता करना है कि ये हमारा DTH सही हो गया कि नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें कई पॉइंट है। और अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आपको पता करना है, क्योंकि कई तरीके का फॉल्ट आता है और बहुत अलग अलग फॉल्ट आता है इसमें। दोस्तों अब हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों मैंने इसको एक तरफ सोल्डिंग कर दिया और इस तरफ भी सोल्डिंग कर दिया। और थोड़ा सा इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी कटिंग ज़्यादा बड़ी है। देखिए दोस्तों मैंने इसको कट कर लिया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें फंसाना नहीं है, इसको इस तरीके से लगा देना है ऐसे। और दोस्तों फिर हम इसमें करंट देंगे 220 वोल्ट। देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये हमारा जो है DTH एकदम ओके हो गया और बकायदा इसमें डिस्प्ले आ रहा है। अब दोस्तों हमारा डिस्प्ले आ गया है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो है DTH सही हो गया नहीं। अभी भी हमें कुछ और चेक करना है जो कि अब हम आपको बताएंगे, जो स्टेप आपको देखना है, जो कि हमें अब क्या करना है। एक प्रोप हमें इस पे लगाना है, 220 वोल्ट को मीटर पे सेट कर देना है। अब एक प्रोप इस पे लगाना है, अब हमें सारी वोल्टेज को चेक करना है। देखिए दोस्तों 3 वोल्ट आ गया यहाँ पे। और दोस्तों हमें ये देखना है 12 वोल्ट हमारा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा दूसरा जो है 21 वोल्ट हमारा, ये भी ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी 15 वोल्ट हमारा, ये भी ठीक है। तो दोस्तों हमारी सारी वोल्टेज ठीक है। इस ये अब हमें प्रॉपर तरीके से हमें ये पता चल गया कि अब हमारा जो है DTH की सप्लाई हमारे ओके है। और यही चीज़ हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ वोल्टेज आ रही है, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा तो दोस्तों तो भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पे वायर थोड़ा सा नहीं जा रहा है। एक बार यहाँ पे नीचे करके देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी आ रहा है 12 वोल्ट, और दोस्तों यहाँ पे भी 21 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों अब हमारे जो 100% हमारी सर्किट ओके हो गई है। और दोस्तों इस तरीके से आप DTH जो है, देखिए दोस्तों अब इसको मैं ऑफ़ कर दिया हूँ, अभी ये देखिए ऑफ़ कर दिया हूँ। अब देखिए दोस्तों ऑन करता हूँ, अभी ऑन हो जाएगा, देखिए ऑन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, और दोस्तों रिपेयर हो गया। दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों हमने आप लोगों को 3 पॉइंट बताया, तीनों पॉइंट को पहले आपको AC सेक्शन को देखना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको सारी वोल्टेज को चेक करना है, जो वोल्टेज आपकी कम आ रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही चीज़ से वोल्टेज कम आती है। तो दोस्तों कई दफ़ा ऐसा है, कोई भी छोटा सा पार्ट शॉर्ट होता है, जैसे कोई भी डायोड अगर शॉर्ट होता है, या कोई 12 वोल्ट IC भी अगर 62 IC शॉर्ट होगी तो भी आपकी वोल्टेज कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसके कारण से भी आपका जो है काम काट जो है SFB सप्लाई काम नहीं करेगी। तो दोस्तों सप्लाई को हटा के आप लोग को चेक करना है, डायोड को चेक करना है पहले जो है सेट को बंद करके। और उसके बाद दोस्तों आप जब इसको चेक करने के बाद, तब आपको जब पता चलता है कि जो चीज़ आपका जैसे कंपोनेंट ख़राब है उसको चेंज करने के बाद दोस्तों सही हो जाता है। तो दोस्तों तीसरा स्टेप यही था, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।